मी सर इरफान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन शुरू हो चुका था, हम उठ चुके थे, मैं 12 बजे उठी थी और फिर हमने नाश्ता वगैरह किया। मेरी बड़ी नन जो है वो रुकने के लिए आई हुई हैं, तो हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद आप बच गए हैं यहाँ पर बैठे बैठे बातें करते करते सवा दो हो गए हैं और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने देखा खाना अब बनाऊंगी मैं, और रूम मैं थोड़ा क्लियर कर चुकी हूँ, अली को मैं सुला चुकी हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग दुआ करें उसकी तबीयत ठीक हो जाए। बाकी मैं अब जाऊंगी किचन की तरफ, किचन में पूरा बिखरा पड़ा है तो किचन सेट करते हैं और खाना बनाते हैं। ये रख चुकी हूँ खिचड़ी, नरम खिचड़ी बनेगी हमारे घर में और बहुत टाइम के बाद। तो ये देखें गैस, मैंने कोयला रखा है, कितनी सी गैस आ रही है, ये खाना कैसे बनेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। और आज बनेगी ये सब्ज़ी जो यहाँ पे लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब मेरी बड़ी नंद आती है ना तब हम खाते हैं, तब हम शौक से खाते हैं ये, तो यहाँ पे कोई और नहीं खाता है तो ये भी नहीं खाती है। तो ये चूल्हा, जब कोयला सही जल जाएगा तो ये चूल्हा भी सही हो जाएगा और फिर हमारा खाना बनेगा और पता नहीं कब बनेगा। तो फिर अभी बस ये बर्तन में धोऊंगी और किचन साफ़ करूंगी, खाना वाना बनाऊंगी और फिर अली सोए हुए हैं तो जब तक मैं अपना काम निपटा लूंगी, अली के कपड़े भी धोने हैं और बहुत सारा काम है, आज मुझे नहाना था लेकिन ये गैस पता नहीं पानी कैसे गर्म होगा, तो देखते हैं क्या होता है, पहले काम निपटा लेती हूँ फिर देखते हैं। तो ये वेलकम, आप कैसी हैं? ठीक, आप सुनाइए। ये है मेरी बड़ी नन, जो इनको अलाउ नहीं है इनका फेस लेना, इनका फेस लेना इनको अलाउ नहीं क्योंकि इनके शोर अलाउ नहीं करते, लेकिन वो अपने व्लॉग में आती हैं मास्क लगाकर। क्यों? कभी कभी आ जाती हैं, वरना बच्चों की रूटीन दिखाती हैं वो। तो आप लोग भी जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इनके चैनल का नाम है समीन ज़ुबैर। तो आप लोग भी तो आ गए हैं, ये मेरे शोहर, गालियां और शहर को गालियां। क्यों गालियाँ? मैंने क्या की है? खाली सुबह उठती नहीं है, शोर ना, भूखा भूखा जाता है। चलो ना, आपकी रात तो गई। या अल्लाह, दुखी शोर। भूख लगी है, मैंने कुछ दे खाने के लिए। क्या दूँ? बगैर चर्बी वाला गोश्त। बगैर चर्बी वाला नहीं है, चर्बी वाला गोश्त। क्या है नाश्ते में बता? अरे कुछ भी नहीं है, आलू रहे हैं ना, आलू नहीं काटे ना? नहीं, आलू नहीं काटे। चलो देंगे, काट देती हूँ। तो कमेंट है कि आपकी नंद को नहीं दिखाया। हाँ। तो शोर को अलाव नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं दिखाया, मेरी बहन है वो। तो जब अलाव हो जाएगा तो वो अपने चैनल पे भी आएगी और हमारे चैनल पे भी आएगी, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बच्चों की रूटीन दिखाते हैं। और ये देखो गेली हमारे कैमरा में। चलो, तो ये भी आप ही ने काट के दिया मुझे और अब आप ही आलू भी काट रही हैं, तो हम आज ही बनाएंगे सब्ज़ी क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बनती है, लोग कोई नहीं खाता, जब मेरी नंद आती है ना तभी हम ये बनाते हैं इनकी फरमाइश पे भाई, और मैं मेरा मुझे तो बहुत पसंद है, मैं शौक से खाती हूँ। चलो तुम्हें भी मिल ही जाती है ना? हाँ, मुझे भी मिल जाती है और मुझे भी खाने को मिल जाता है ये शिमला मिर्च मटर। तो वैसे तुम्हें कोई चीज़ का मना थोड़ी ना, तुम जो बोलो बना के खा सकती हो, किचन ये हाथ में। ये तो है, बना सकती, लेकिन यार डबल डबल फिर अच्छा मसाला होता है। नहीं, जो खाना पीना हो, मैं वैसे खा लेती हूँ जो बनता है, लेकिन है ना ये मज़ेदार बनती है। असल में मेरा बैठने का ये है कि मैं फारिग नहीं बैठ सकती, तो मैंने चलो अभी थोड़ी भाभी की हेल्प ही करवा दें। चलो, तो ये भाभी की हेल्प करवा रही हैं आप ही, तो ये जब आलू काट लेंगी तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी, पता नहीं बनने में क्या होगा। ये इनके बच्चे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे, हसन वोरा और ये अफान बाबा। ये आप ही का बेटा है छोटा वाला, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इनके लिए भी दुआ करें इनकी तबीयत ठीक हो जाए। अफान बाबा कैसे हैं आप? अंडा बना दे, भूख लग रही है, मेरे को जाना है यार। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना ही बना देती हूँ सर। अफान बाबा कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। अफान, अफान बाबा मुंह में खोल दे, दिखा दे 32 दांत पूरे। 32 नहीं है आपके, हैं 31 दांत। आधा टूटा हुआ है, आधा टूटा हुआ है आपका दांत। तो क्या होगा, क्या उसका? किसका? आपके आधे दांत का। मैं अपनी बेटी के जेब में दे दूंगा आधा दांत। मतलब 31 करने हैं आपको? सही। तो ये मेरे शोर के पूरा दांत है, लेकिन ये आगे से थोड़ा सा टूट गया है, बाकी पूरा है पीछे से। ये बाप लोग बोलेंगे दांत को देखो।
नहीं नहीं, कभी कभी साफ होते हैं, कभी कभी ये मावे खाते हैं ना तो इसमें ख़राब हो जाता है। खाना मैं रख चुकी थी बनाने के लिए और अली के कपड़े मैंने भिगो दिए, तो फिर बस अब ये टाइम होता है मेरा इसका पीने का, तो मैं ये पी लेती हूँ फटाफट। तो इसको हम फेंक देते हैं, तो अली वहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये हो जाती है तो फिर हम इसको पी लेते हैं। मेरी डेली रूटीन की जो ये टेबलेट है मैं पीती हूँ। फाइनली मैं हो गई हूँ फ्रेश और यहाँ पे टाइम हो गया है 5:30, असर की अज़ान हो चुकी है तो हम पढ़ेंगे असर की नमाज़। और यहाँ पे आ गए हैं अली के अब्बा, जो ये रहे, अली के बाबा आ चुके हैं और ये खाना खा रहे हैं। आज खाना कैसा लगा आपको? इनके मुंह देखो, बस मुंह देखें इनके, ऐसा खाना तो इनसे उतरता ही नहीं है। ये बनाई हमने खिचड़ी और ये बनाया है हमने सब्ज़ी आलू मटर और शिमला मिर्च की, वो मज़ेदार, मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने में। ये हॉस्पिटल में मरीजों को दिया जाता है खाना, सही बात। सुने क्या है, ये हॉस्पिटल में दिया जाता है मरीजों को, ये खाना भी खाना चाहिए ना। हम मुर्गी गोश्त बस यही खाते रहते हैं, मछलियाँ, कभी कभी हमें ये भी खाना चाहिए ना, टेस्ट मुँह का चेंज करना चाहिए यार। शालिया खा लिया करना, तुम अपने मुँह के टेस्ट के चक्कर में हमारा गला क्यों खराब करती हो? नहीं, ये आपकी बड़ी बहन की फरमाइश थी, मेरी नंद साहिबा की फरमाइश थी, तो हमने ये बनाया और वो आती है तभी ये मौका मिलता है खाने को, वरना ये नहीं मिलता है मौका हमें खाने को। मुंह देखें बस इनका। अनाज है, मुंह बना के नहीं खाओ, खुश होके खाओ। तो मैंने अनाज से मुंह नहीं बनाया, मुझसे मुंह बनाया है। जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं खाता तो मेरे लिए कुछ अलग बना। अच्छा बस बस, ये भी खाना पड़ेगा, इसमें बहुत फ़ायदा है आपके लिए भी, आपको पता है ना। आप यकीन करें गाइस, जब भी मेरा मूड ख़राब करने के लिए आती है मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं कुछ ना बोलूँ। तो सही बात है, नहीं जो सच है वही मैं बोलती हूँ, मैं गलत तो कुछ नहीं बोलती। अभी खा रहे हैं तो ये खाते हैं खाना और जा रहे हैं अपने ऑफिस। मैं पढ़ती हूँ नमाज, तो हम नमाज़ अदा कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो जी खाना मेरे लाए थी और देखो खा ये खुद रही है। उठा ले प्रभु उठा ले, आपने छोड़ दिया झूठा। मेरे को बोलती मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया तो प्लीज मुझे खाने दो। यो लो झूठे, तो ये आपने झूठा छोड़ा, मैं आपका पूरा कड़ी जाया जाएगा। मैंने तो अभी शुरू किया था और तूने आगे छीन लिया मुझसे। कितने झूठे हो आप यार, पहले के लोग झूठ बोलते थे ना, मर जाते थे, तब और आपके लोग झूठ बोलते, खांसी भी नहीं आती उनको। तो झूठ नहीं बोला इसलिए तो खांसी नहीं आई। देख रहे गाइस इतना जुल्म होता है मेरे साथ, नाश्ता भी नहीं मिलता है, खाना भी पेट भर के नहीं मिलता। आप लोग सही कहते हैं कि इरफान भाई कमज़ोर हो गए, काले हो रहे हैं, इसीलिए देखें मैं बहुत घोड़ी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ। माशाल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते घर में तो रहती है। 6 किलो वजन कम हो गया मेरा, तो क्या नाचो भाई? वो तो 1-1.5 महीना पहले हुआ था, अभी हुआ है। अभी तो माशाल्लाह फ्रूट व्रूट सब चल रहा है तेरा, अभी VIP हो गई है तो माशाल्लाह ताकत भी, इसके अंदर ताकत भी आ गई। मुझसे पंजा लड़ाई तो पंजा ही जीत गई, मैं हार गया पंजा, पता है आपको? ये बहुत झूठे हैं, अपनी बारी में तो सामने वाला झूठा होता है। चलें खैर मैं जा रहा हूँ ऑफिस और ये जाएंगी भाई के घर पे, फिर वहाँ के आपको अपडेट देंगे। लाइव आएंगे? लाइव आएंगे, हाँ। तो आज रात यानी हफ्ते की रात को हम लाइव जाते हैं, तो आज हफ्ता है तो आज लाइव जाएंगे। तो जी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग में। और भाई के घर जाके क्या हुआ वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस ये व्लॉग यहीं तक, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। और मेरी मम्मी के लिए ज़रूर दुआ करूँ कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है ना, तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।